नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल GS नगरी पे। दोस्तों आज RO मेंस का पेपर हुआ था, तो उसकी आंसर की मैं फुल सॉल्यूशन के साथ में रिलीज करने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए थे प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां, तृतीयक गतिविधियां और ग्रामीण गतिविधियां। तो आपका सही उत्तर है सी, तृतीयक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आपके ऑप्शन दिए गए थे ए रुहेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी पूर्वांचल और डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है दौरा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध और चौथा है चौसा का युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा आपका बी। पहले हुआ था दौरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और उसके बाद हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है सूची मिलान। तो सूची एक में दिया गया है लेखक के नाम और सूची दो में दिया गया है पुस्तक का शीर्षक, तो मिलान करना है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वो सही है उत्तर है ए 2 3 4 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो आपका सही उत्तर होगा डी केरल। चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए विकिरण या रेडिएशन। चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है? तो आपका उत्तर होगा सी उत्पादक या प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बी दिनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न सूची मिलान वाला है, जिसमें सूची एक और सूची दो दी गई है। तो सूची एक में है हीरा, संगमरमर, रेत और रूबी माणिक और सूची दो में कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कार्बन। तो इसका मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान है वो होगा बी हीरे का होगा कार्बन, संगमरमर का होगा कैल्शियम, रेत का होगा सिलिकॉन और रूबी का होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दसवां प्रश्न है, दसवां प्रश्न सूची मिलान से है। सूची एक में दिया गया है अष्टाध्यायी, महाभाष, निरुक्त और वार्तिक। सूची दो में दिया गया है यास्क, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए 4312। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस गैस नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हरित ग्रह गैस नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है रीजनिंग से, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा 48। सही उत्तर होगा 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है? तो इसका उत्तर होगा सी सऊदी अरबिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से एक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बी आयरन और लोह अयस्क।
अगला प्रश्न है रीजनिंग से, इसका उत्तर अभी नहीं मिल पाया है, जैसे ही इसका सॉल्यूशन मैं निकाल लूँगा मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कर दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न सीरीज से है, इसमें दिया गया है 9, 2, 9, 28 और 65, तो इसकी अगली संख्या जो होगी वो अगली संख्या होगी सी 226। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन दिया गया है, जीवमंडल एक खुला वितरित तंत्र का उदाहरण है। कारण दिया गया है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। ए और आर दोनों सही हैं, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, जो ए है वो सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दिया गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी दमन और दीव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सूची मिलान से, एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी 3241। चाड का पेट्रोलियम, नाइजर का होगा यूरेनियम और रवांडा का होगा कहवा या कॉफ़ी और बेनिन का होगा कपास, ये आपका सही मिलान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश जो है राज्य, ये राज्य NCR में आते हैं और मध्य प्रदेश NCR का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है, तो इसका सही उत्तर होगा ए 575 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा FW टेलर। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे और अंध बिंदु पर, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, पहला दिया गया है क्रिस्प मिशन, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा नेहरू रिपोर्ट और चौथा है वेबल योजना, तो जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा बी, पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन और फिर उसके बाद में वेवल योजना, तो इसके आधार पर 3, 2, 1, 4 ये जो है ये हमारा सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न मिलान से है, इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ सूची एक में दिया गया है फसल या पौधरोपण और दूसरा दिया गया है सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो इसमें जो गलत है मिलान वो गलत है रबड़ हिमाचल प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रिजुपालिका नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है रीजनिंग से, दिया गया है एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके घड़ी चलने की दिशा में 60 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 255 डिग्री घूमता है और अंततः घड़ी घूमने की दिशा में 105 डिग्री घूमता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इसका सही उत्तर होगा बी उत्तर या नॉर्थ। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दिया गया है, लाभमात्र अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है,
तो आपके ऑप्शन थे बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना, और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा उपयुक्त सभी। लाभ मात्र अनुपात में सुधार के लिए ये जो तीनों निम्नलिखित दिए गए हैं ये तीनों फैक्टर काम करते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था न्यूटन ने। तो इसका आंसर होगा ए न्यूटन। अगला प्रश्न है बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लेजन और रस्किन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सूची मिलान से। तो सूची एक में दिया गया है स्तूप चित्रकारी कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति और दशावतार मंदिर, एक तरफ सूची दी गई है बाघ सांची देवगढ़ मथुरा, इनको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी स्तूप सांची चित्रकारी, बाघ कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा, और दशावतार मंदिर देवगढ़, ये सही मिलान है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दिया गया है सूची मिलान से ही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 2413 वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज अद्वैतवाद, माध्वाचार्य द्वैतवाद, और शंकर विशिष्टाद्वैत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल 326। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मलमपुज्झा बांध किस नदी पर है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भरतपुज्झा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है रीजनिंग से। इसमें दिया गया है एक श्रृंखला दी गई है, और इसमें बताया पूछा गया है कि कौन सी संख्या गलत है, तो दिया गया है 12-35, 24-25, 21-58 और 42-35। तो इसमें जो गलत है वह है 42-35। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न सूची मिलान से ही है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, दूसरी तरफ प्रकाशक उसके दिए गए हैं, तो इसको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 3124। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी बस्तर में, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न रीजनिंग से ही है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, तो इसमें जो रेनबो में कलर होते हैं सात उसी को पूर्ण करना है, तो वी आई बी दिया हुआ है, तो आपके जो आगे के होंगे वो होंगे जी वाई ओ आर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला दिया गया है यह एक भ्रंशोत पत्थर है, दूसरा है इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीची होता हुआ पठार है, तीसरा दिया गया है इसका उत्तरी खंड लावा या बसाल्ट से आच्छादित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। इसमें जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है इसमें मूलभूत कण कौन सा है, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा क्वार्क। क्वार्क जो है मूलभूत कण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका का सुपूरिया झील क्षेत्र स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका का सुपूरिया झील यह लोएस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है
लोयस पंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था? तो आपका उत्तर होगा डी सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है किसको हराकर सिमोना हालेप फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 की विजेता बनी? तो आपका सही उत्तर होगा स्लोन स्टीफन्स। देखते हैं अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पराया कारक है? तो आपका उत्तर होगा सी थर्मल पॉल्यूशन या ऊष्मीय प्रदूषण। अगला प्रश्न है रीजनिंग से, इसका उत्तर मैं आप लोगों को जल्द ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखते हैं अगला प्रश्न है इसमें यह भी रीजनिंग से ही है, इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक्स के स्थान पर आएगा? तो जो सीरीज दी गई है उसमें 27, 31, 40, 56, 81, 117 और एक्स, तो एक्स के स्थान पर जो आएगा वो संख्या है सी 166। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 3 माह से अधिक तक नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो आपका सही उत्तर होगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो आपका उत्तर होगा डी, ये एक संश्लेषित विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर स्वतः संश्लेषित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा डी ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग। देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न दिया गया है, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1×10^-15 meters। देखते हैं अगला प्रश्न है कि GST किस तरह का कर है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। देखते हैं अगला प्रश्न है भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो आपका सही उत्तर होगा बी पटना। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिंचाई डी। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा ए परिवहन के साधनों की कम संख्या। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका सही उत्तर होगा डी ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है रीजनिंग से ही दिया गया है, फूल का पत्ती से वही संबंध है जैसे पुस्तक संबंधित है? तो पुस्तक संबंधित होगा पृष्ठों से। अब है अगला प्रश्न, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो उरुग्वे दौर जो है वो WTO से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा इंजीनियरिंग गुड्स या अभियांत्रिक वस्तुओं का। देखते हैं अगला प्रश्न सूची मिलान से ही है, इसमें एक तरफ दिए गए हैं काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्पकृति और सीसा शिल्पकृति, दूसरे तरफ दिया गया है मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद और निजामाबाद, इसको मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान होगा वो है बी 4213। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में और सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद में।
बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी कानपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सी कानपुर। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया? तो इसका उत्तर होगा सी फ्रैंक इस्लाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कौशल अहिछत्र। कौशल अहिछत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा बी धान। धान जो ऐसा फसल है जिसकी रोपाई की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है नेपाल सरकार ने निम्नलिखित में से किसको पर्यटन एवं संस्कृति का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो आपका सही उत्तर होगा वो होगा जया प्रदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। दूसरा है ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तीसरा है महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। दिया गया उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो जो कूट दिए गए हैं वो है केवल दो, दूसरा है एक और दो, तीसरा दिया गया है दो और तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा एक और दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 16वां भाग संबंधित है? तो जो 16वां भाग है वो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है शुद्ध निर्यात बराबर होता है? तो जो शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात से। तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न सूची मिलान से ही है, एक तरफ युद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी 2-1-4-3। चंडवाड़ का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी दादर और नागर हवेली। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मालावी एशिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है सही होगा डी बरेली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आयात कर, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है दोनों ए और सी। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता, नहीं सॉरी आंसर होगा डी सॉरी बी, व्यापार की मात्रा को घटाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 2018 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, 2018 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 2019 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से किस फिल्म का चयन किया गया है? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा विलेज रॉक स्टार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कथानुकारण से
कथन दिया गया है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण दिया है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। जो कथन दिया गया है वो गलत है किंतु जो कारण दिया गया है वो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित शब्दों में से किसे बनाया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, मदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है। तो आपका सही उत्तर होगा डी, थारू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा 12 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है सूची मिलान से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 3412। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा क्रोमियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न युग सुमेलित नहीं है उससे है। तो दिया गया है इंदुप्रकाश, एम जी रानाडे, नेटू ओपिनियन, बी एन मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले और इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। जो सही मिलान नहीं है, सही सुमेलित नहीं है वो है बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका सही है। देखते हैं अगला। और अगला दिया गया है सूची मिलान से। एक तरफ राजनीतिक दल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 3142। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1991, भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK 1972। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची मिलान से ही है। एक तरफ हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी और दूसरी तरफ उनके उत्खननकर्ता के नाम दिए गए हैं MG मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बीबी लाल। तो जो सही मिलान है वो होगा सी, 3421। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, जनता की योजना विनोबा भावे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 में से किसे सम्मानित किया गया था। तो आपका सही उत्तर होगा ए, नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, औरंगजेब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे न्यूनतम है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अजमेर, अरे सॉरी आगरा ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी एम के गांधी। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है सूची मिलान से। एक तरफ समितियां दिए गई हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, 4312। पी के थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, बी.आर. मेहता 1957 और एल.एम. सिंघवी 1986। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं
यह 1991 से 1992 में शुरू किया गया था। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा गीता गोपी नाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो आपका सही उत्तर होगा डी, वाराणसी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगरौली लघु जल विद्युत योजना अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शक्ति नगर में अवस्थित है और यह NTPC का फर्स्ट पावर प्लांट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के भंडार नहीं है? तो आपका सही उत्तर होगा ए, गुजरात। गुजरात में लिग्नाइट के भंडार नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, लोम्बोक जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाली एवं लोम्बोक। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, चेरुथानी बांध किस नदी पर है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, पेरियार। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्राजील जलधारा बी। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर होगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 1994। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ब्राजील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। और कारण दिया गया है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, सोन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोनम वांगचुक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कथन और कारण से। कथन दिया गया, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण दिया गया है, सातवाहन राज्यों ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में आचल ठाकुर भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता बनी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्किंग। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत योगदान है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 85%। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, सूची मिलान से एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ अस्तित्व में आने का वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 2143। नागालैंड जो है वो 1962 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में
अस्तित्व में आए थे। देखते हैं अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर होगा ए मंगोलिया। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा आयाम एम्पलीट्यूड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा बी चेन्नई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी लोह अयस्क गुंटूर। तो दोस्तों ये हमने फुल सॉल्यूशन आपको दे दिया है, इसमें रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जो हिंदी का आंसर है वो मैं उसको जल्द ही फुल सॉल्यूशन के साथ में तुरंत अपलोड कर दूंगा, और लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको भी मिला लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।